या ये बीसी सम्मेलन समारोह था और दक्षिण हरियाणा के साथ जिस तरह का बर्ताव यहाँ के बीसी नेताओं के साथ जिस तरह का बर्ताव भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में दक्षिण हरियाणा के बीसी का कोई सम्मान नहीं है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह 3 बार सांसद चुनकर गए, आज तक उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, लगातार उनके वर्चस्व को नज़रअंदाज किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उनका उचित मान सम्मान आज तक नहीं दिया। बीसी से ही आने वाले कृष्ण पाल गुज्जर जी, उनको भी 3 बार लगातार यहाँ के जनता ने चुन के भेजा, अपने समाज ने चुन के भेजा, 36 बिरादरी ने, लेकिन आज तक उनके साथ भी न्याय भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। और रही बात रामविलास शर्मा जी को धरती पुत्र कहने की, तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि वो जिसकी तारीफ करती है उसको आने वाले समय में वो किसी ना किसी तरह ख़त्म कर देती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के कसीदे पढ़े गए तारीफ के, और फिर उन्हें एकदम से मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। इसी तरह रामविलास शर्मा जी को जिस तरह धरती पुत्र कह के आज नवाजा है, मुझे याद आ रहा है कि इस तरह से ये धरती पुत्र कह के इशारा है कि आने वाले समय में धरती में मिलाने का काम, मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी रामविलास शर्मा जी को करने वाली है, और ये आपको 3 महीने में स्पष्ट भी हो जाएगा। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में हमारे सहयोगी परमानंद वाल्मीकि जी, हमारे सहयोगी नवीन अग्रवाल जी। 16 जुलाई यानी कि कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने महेंद्रगढ़ का दौरा किया। महेंद्रगढ़ में एक रैली का आयोजन किया गया। उस रैली से महेंद्रगढ़ की जनता को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल की तरह ये रैली और ये दौरा भी बिल्कुल खोखला साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर इस रैली का आयोजन किया, 4 दीवारी के अंदर इस रैली का आयोजन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के अनेक मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता और साथ में केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह जी, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी इस रैली में बतौर मुख्यमंत्री पहुंचे। जैसा कि सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की देश की तीसरी सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी का ये दौरा महेंद्रगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। महेंद्रगढ़ की जनता ने बहुत सारी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से जताई हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी 10 साल के अंदर बार बार, चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो चाहे देश का चुनाव हो, अनेकों वादे महेंद्रगढ़ की जनता से किए, और इन वादों को 10 साल में भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई। महेंद्रगढ़ की जनता ये चाहती थी कि इस दौरे के माध्यम से अमित शाह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, महेंद्रगढ़ की जनता के साथ अपने अधूरे वादों को पूरा करें, न्याय करें। बहुत सारे वादों में से कुछ मुख्य वादे जिनके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाह रहा हूँ, आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जिनको हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी गृह मंत्री जी के इस दौरे से पहले उनके समक्ष रखा था मीडिया के माध्यम से, कि कुछ प्रमुख मुद्दे, कुछ प्रमुख समस्याएं, कुछ प्रमुख वादे, जैसे कि महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय की स्थापना एक बहुत बड़ा वादा, जिसको गृह मंत्री जी ने अपने पूरे भाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं किया। महेंद्रगढ़ की जनता को इसको बहुत इंतजार था। महेंद्रगढ़ में IMT की स्थापना का वादा भारतीय जनता पार्टी 10 साल से करती आ रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसमें ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग लंबे समय से चली आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपने चुनावों से पहले इसका जिक्र करते आ रहे हैं, बार बार वादा करते आ रहे हैं, वो भी आपने लंबित छोड़ दिया। महेंद्रगढ़ के अंदर खेल स्टेडियम की परियोजना का वादा लगातार भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, वो भी आज लंबित रहा। महेंद्रगढ़ के अंदर अच्छी कानून व्यवस्था, अच्छी सरकारी शिक्षा व्यवस्था, महेंद्रगढ़ के अंदर एक 200 बेड का सरकारी अस्पताल का वादा, इस तरह से अनेक वादे, चाहे वो युवाओं को रोजगार का वादा हो, चाहे कानून सुरक्षा व्यवस्था का वादा हो, चाहे किसानों को मजबूत करने का वादा हो, गांव-गांव में
पक्की सड़कें, नालियों का वादा हो, अनेकों वादे थे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में आई और महेंद्रगढ़ की जनता ने पूरा पूरा साथ दिया, चाहे वो केंद्र की रही हो चाहे वो प्रदेश की सरकार रही हो। लेकिन इस दौरे में किसी भी तरह से महेंद्रगढ़ का जिक्र ना करना, किसी भी तरह से महेंद्रगढ़ की अधूरी परियोजनाओं के बारे में चर्चा ना करना, महेंद्रगढ़ के लिए कोई भी नई परियोजना ना लेके आना, इससे महेंद्रगढ़ की जनता को बेहद दुख है। महेंद्रगढ़ की जनता ने जो उम्मीद जताई थी उन उम्मीदों पे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों चाहे केंद्र के गृह मंत्री हों, वो खरे नहीं उतर सके। महेंद्रगढ़ की जनता के लिए ये दौरा पूरी तरह से खोखला साबित हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजन में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दुरुपयोग किया, यानी कि शिक्षण संस्थान का दुरुपयोग किया, इसके साथ साथ वहाँ पर जो रैली की गई, वो रैली, उस रैली के अंदर जो हरियाणा में जो इनका सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग है, उस विभाग का दुरुपयोग करके सरकारी धन को इस्तेमाल किया गया। इसमें हरियाणा रोडवेज की बसों का इस्तेमाल करके पूरे हरियाणा भर से आपने भीड़ जुटाने का प्रयास किया, तो यानी कि जनता के पैसे का, सरकार के पैसे का भारतीय जनता पार्टी इस तरह दुरुपयोग कर रही है। इस तरह वो प्रयास कर रही है कि जनता को किसी तरह गुमराह कर सके, ताकत दिखा सके। हम ये कहना चाहते हैं कि बीसी सम्मेलन, सम्मान सम्मेलन में आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप हरियाणा की जनता को जातिगत तरीके से विभाजित करके किसी तरह राज में लौटें। दो बार प्रदेश की जनता ने आपकी सरकार बनाई और 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग दिया, लेकिन उसके बाद जब आप काम नहीं कर सके, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह के वादे पूरे नहीं कर सकी जो जनता से उन्होंने 10 साल में वोट लेते वक्त किए, तो आज वो जातीय विभाजन करके किसी तरह हरियाणा की जनता को बांट कर फूट डालो राज करो की नीति से हरियाणा में सत्ता में आना चाहती है। लेकिन हरियाणा की जनता, मैं कहना चाहता हूं अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और खुद अमित शाह जी कल मंच से बात कह रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में बहुत समय बिता कर गए हैं, तो जब उन्होंने बहुत समय बिताया होगा तो उस वक्त आपने देखा होगा कि 36 बिरादरी में किसी तरह का भी जातिगत आपस में मनमुटाव नहीं है, ना कोई एक दूसरे की जाति से एक दूसरे का परिचय रखता है। यहाँ 36 बिरादरी मिलजुल कर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देकर रहने वाले प्रदेश है ये। यहाँ पे चाहे प्रधानमंत्री ने कभी किसी का दरवाज़ा खटखटाया हो तो कभी उनसे भी उनकी जाति नहीं पूछी गई होगी। तो आज इस समय पर भारतीय जनता पार्टी का इस तरह से झूठा प्रायोजन एक करना कि बीसी महा सम्मान सम्मेलन, आपने इस 10 साल के कार्यकाल में 36 बिरादरी से वोट लिया, उसमें बीसी भी सम्मिलित है, उसमें दलित भी सम्मिलित है, उसमें जनरल समाज भी सम्मिलित है, सबके साथ आपने एक समान व्यवहार किया है, सबको आपने विकास से दूर रखा है, सबको आपने जो वादे किए उन वादों को पूरा नहीं किया, उससे सबको नुकसान हुआ है। यानी 36 बिरादरी का नुकसान करके जातीय विभाजन का जो रास्ता खोलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हरियाणा की जनता इस झांसे में नहीं आने वाली। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से जनता को कि इस तरह की राजनीति को हरियाणा में, महेंद्रगढ़ में विशेष तौर पर हम किसी तरह पनपने नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के इस चेहरे को, जो वादा खिलाफी का चेहरा है, जो झूठ का चेहरा है, जो धोखे का चेहरा है, जो जात पात की राजनीति का चेहरा है, इसको लेकर महेंद्रगढ़ के गांव गांव में जाके, प्रदेश भर के गांव गांव में जाके जनता के सामने रखेंगे। और जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने काम की राजनीति स्थापित की है, जिससे 36 बिरादरी का जरूरतमंद व्यक्ति आज मजबूत हो रहा है, 36 बिरादरी का गरीब व्यक्ति आज अपनी गरीबी से लड़ाई लड़ रहा है, उसी तरह से पूरे हरियाणा के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, गांव गांव के अंदर हम लोग आम लोगों को काम की राजनीति से जोड़ेंगे और इस विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस गंदी राजनीति का सफाया करेंगे। डॉक्टर, कल अमित शाह के द्वारा ये कहा गया है कि वो जितने भी कार्य 10 साल के अंदर हुए उनका हिसाब लेकर आए हैं, तो उनको किस तरह से देखते हैं आप कि किस प्रकार का हिसाब वो आप देंगे? देखिए, कागजी कार्यवाही और मंच से झूठ बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। अमित शाह जी के कल मंच से जो भी बातें उन्होंने कही हैं, जमीन पर अगर वो देखें तो हकीकत नहीं है। मैं सुन रहा था उस जिक्र में, वो कह रहे थे कि 24 घंटे बिजली देने का काम किया है।
हर परिवार को बिजली देने का काम किया है। कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ी कमजोरी या बहुत बड़ी अनदेखी भारतीय जनता पार्टी की आपके सामने मैंने रखी थी कि देवास गांव में रामविलास शर्मा जी के ससुराल में बीपीएल परिवारों को 30 साल से बिजली का इंतजार है। तो जिस तरह से अमित शाह जी मंच से जो दावा कर रहे थे, मुझे लगता है कि जमीन पर अगर उतर के देखा जाएगा तो उनका एक भी दावा आपको सच नज़र नहीं आएगा। पूरा का पूरा मंच से झूठ की राजनीति करने का और जनता में कागजी काम दिखाने का प्रयास अमित शाह जी कर रहे हैं।